भजन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक इस जीवन का मुक्ति होने वाला नहीं है। और भजन ही ऐसी चीज है जो उसमें से कोई बंटवारा नहीं कर सकता। जय हो, जय हो। और बाबा लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत है सिकता तेवर तेल और बिन भजन नरभव तरही यह सिद्धांत। कुछ लोग बाबा से प्रश्न किए कि बाबा हम लोग बालू को पेरते हैं उसमें से तेल निकल जाता है। बाबा कहा संभव, अगर बालू को पेर दिया जाए तो उसमें से तेल निकल सकता है। फिर लोग कहे कि बाबा हम लोग पानी को मथते हैं तो उसमें से घी निकल जाता है। बाबा कहे संभव, अगर पानी को भी मथ दिया जाए तो उसमें से घी निकल सकता है। लेकिन कुछ लोग कहे कि बाबा ये भी तो हो सकता है कि बिना भजन का इस जीव आत्मा भाव पार कर हो जाता है। बाबा कहे महा असंभव, ना ही तो हुआ है ना ही तो होगा ना ही होने की संभावना है। तो इसलिए आप अमीर हो या गरीब हो कोई भी हो लेकिन भजन अपने जीवन के लिए जरूरी होता है। पहले के लोग कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समा हम सब भूखा न रहे चाहे साधु न भूखा जा। पहले के लोग कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समान और हम सब भूखा ना रहे पर साधु ना भूखा जाए। कि हे मालिक इतना दो कि कोई साधु संत भिखारी मेरे दरवाजे से वापस ना जाए। लेकिन इस कलयुग में कितने लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि साईं इतना दीजिए चाहे देश भार में जाए। कलयुग में कितने लोग सोचते हैं कि साईं इतना दीजिए एक पुस्त नहीं मेरा सात पुस्त बीत जाए और हम सब भूखा ना रहे चाहे देश भार में। और जो लोग ये बात सोचते हैं उन लोगों से कहना है कि तुम भी तो इसी देश के हो और जब ये देश भार में जाएगा तो तुम कहां जाओगे। लेकिन कहना है अरे क्या तू ले के आया है और क्या तू ले के जाएगा। तूने जो अरे तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। अखाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है क्या तू लेके जाएगा।
कहा गया है कि क्या तू लेकर आया है और क्या तू लेकर जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। लेकिन कब तक रिश्ता है इस शरीर का, वो जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। वो जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तक आपके अंदर और हमारे अंदर सांस चल रही है ना, तब तक ये रिश्ता बना हुआ है कि कौन मेरी माँ, कौन मेरा बाप, कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी, कौन मेरा बहन, कौन मेरा पिता, कौन मेरा कौन। लेकिन जिस दिन ये सांसें निकल जाएगा ना, उस दिन कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए कहा गया है कि ऐ फूल पर सोने वालों, ऐ फूल पर सोने वालों, कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी। आए फूल पर सोने वालों, कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी। और ये मैं चैलेंज दे के कहती हूँ, रुपया कमा कर ले जाओगे कहाँ, क्योंकि कफन में रखने के लिए जेब नहीं मिलेगी। हो जब तलक ये रिश्ता है, हो जब तलक ये सांसे है तब तलक ये रिश्ता है। और होगा क्या, सांस रुक जाएगा, सांस रुक जाएगा रिश्ता टूट जाएगा, सांस रुक जाएगा रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो ही खाएगा। ए, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाए। इस भजन तो बहुत सुनते हैं, लेकिन इस भजन की हर एक शब्द सुनिएगा कितने मार्ग के। हो दूसरे के जख्मों पे रखा हर समय मरहम, दूसरे के जख्मों पे रखा हर समय मरहम। अगर कोई भूखा है हम उसे खाना खिला देते हैं, कोई बीमार है हम उसे मेडिकल पहुंचा देते हैं, यानी दूसरे के जीवन को खुशी करने के लिए हम अपने जीवन भी बिता देते हैं। लेकिन अपने बारे में तो आज तक कुछ सोचना चाहिए ना। राजकुमार वर्मा जी, जो हम जैसे छोटे कलाकार को ये किस रुपए का दान, भगवान करे महाकल्याण। और चिखुरी चाट वाले जी, चलिए हम जैसे छोटे कलाकार को बहुत बहुत ये धनराशि है, जो क्या तू लेकर आया है और क्या तू लेकर जाएगा। लेकिन दूसरे की हेल्प करने अपने जीवन को बिता देते हैं, दूसरे की मदद करते करते अपना ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन कहना है, अरे दूसरे की जख्मों पे रखा हर समय मरहम,
और बाद मरने पे तुझको दूसरे की जख्मों पे रखा हर समय मरहम, और बाद मरने पे तुझको इस संसार में जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु से कितना मनुष्य डरता है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मरना तो एक ना एक दिन सबको है। अगर हिंदू मरेगा तो श्मशान पर जाएगा, अगर मुसलमान मरता है तो कब्रिस्तान में जाएगा, और जब मर कर वो चाहे श्मशान पर या कब्रिस्तान पर जब जाता है ना तो हाँ एक बोर्ड पर लिखा रहता है, गौर करिएगा, उस श्मशान पर एक बोर्ड पर लिखा रहता है, और वो मरने वाला इंसान उसका आत्मा पढ़ता है, क्या लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी पर वक्त गुजार दिया आते आते, मंजिल तो तेरी यही थी पर वक्त गुजार दिया आते आते, अरे क्या मिला इस दुनिया से तुझको, क्या मिला इस दुनिया से तुझको जब अपनों ने जला दिया जाते जाते। लेकिन कहना है अरे दूसरे की जख्मों पे रखा हर समय मरहम, बाद मरने पे तुझको, बाद मरने पे तुझको कोई ना साथ जाएगा, बाद मरने पे तुझको कोई ना साथ जाएगा। इस भजन की लास्ट कड़ी है, नहीं तो कोई खाली हाथ यहां आया है और ना ही यहां खाली हाथ कोई जा सकता है, इसलिए कि जो भगवान के दरबार में सच्चे दिल से जाते हैं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना नहीं रखते, और भगवान की जहां भजन हो उस भजन में अगर ताली मीठी मीठी बजाते हो और थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, ये चीज परमात्मा के रजिस्टर में पहले लिखा जाता है। लेकिन होता है क्या, अरे दोनों हाथ उठा के जो ताली को बजाए, को बजाएगा, और कसम से कहते हैं, देखिए कान पकड़ के इस बात को विश्वास आप रखिएगा कि दोनों हाथ उठा के जो अरे ताली को बजाएगा, वक्त आखिरी तुझको, उस समय में कोई नहीं होगा, अरे वक्त आखिरी तुझको यही साथ जाएगा, वक्त आखिरी तुझको यही साथ जाएगा। हो तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा।